आना तो चाहिए था ना। अब उसका मर्जी जी भाई, वो जो जिसका काम जो है वही ना करेगा। यहाँ थोड़ी सीमेंट ढोने के लिए उसको बुलाया जाएगा। अरे उसका आपको जानते हैं आपके यहाँ से साथ जानते हैं। चलिए उस पर आप लोग तो बड़ा करीब से देखे होंगे शरद यादव को, सुने नहीं कभी मुलाकात नहीं देखे तो मर गए भी। वो एक बार 2010 में भी ऐसे ही आरक्षण का बिल आया था तो वो बोले थे आपके जो स्वर्गवासी सांसद महोदय हैं बीनापुर का कहानी आप सुन रहे हो ना, इस देश में यही होगा इनकी सरकार में। ये कहते दुनिया तो उनकी मुलायम सिंह की सरकार थी, उनने कटवा दिया, वो करवाया वो करवाया, तुम्हारी सरकार में क्या हो रहा, संभालो ना। ये है कि ये जात पक्ष का हिसाब, ये गवर्नमेंटें जो बन रही ना पक्ष लेके चल रही है। हमारा ठाकुर है तो ठाकुर शाही वाला काम है, वो है तो उसके साथ जी जो ढल में ढल रहा है उसी में जल रहा है, अपनी अपनी मनमांगी है। आप क्या बता रहे थे जी, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया, क्या अनुमान है? संसद भवन में उसका आने के राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए, क्योंकि सर्वो राष्ट्रपति होता है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा सर्वो वो होता उस पद है, और उसको बुलाना चाहिए। क्या कारण लग रहा है क्यों नहीं बुलाया? तो ये तो मोदी जी बताएंगे क्यों नहीं बुलाया। नहीं, ये तो मोदी जी बताएंगे क्यों नहीं बुलाया गया, ये तो यही बताएंगे ना। ये बता रहे थे कि सब अपने अपने जात और धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, तो वही कारण है क्या? हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, यानी कि वो छोटे जात ऐसे ही है। सोच में तो ऐसे ही आ रहा, तो अगर छोटी जात की ना होती तो उसको बुलाते क्यों नहीं बुलाते, क्यों बुलाना, इसी वजह से नहीं बुलाया गया। यही बुलाना चाहिए, आप बना के ले आए तब तो नहीं सोचे कि हम उनको आज मतलब उन सबसे माना हुआ अपने यहाँ का राष्ट्रपति माना जाता है ना, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं, पद है ऊपर का। अच्छा चाचा इतना तो बोल दीजिए, सहमत है या नहीं आपसे एक शब्द तो सुन के जाएंगे आप किस चीज़? आपके दोस्त सब बोल दिए तो थोड़ा आप मतलब नहीं समझे, आपको क्या लग रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन आपको क्या समझ जो समझ में आता है उस पर? वो सब हमको समझ में नहीं कुछ आता नहीं, संसद भवन में उद्घाटन के लिए बुलाना तो चाहिए था ना। अब उसका मर्जी जी भाई, वो जो जिसका काम जो है वही ना करेगा। यहाँ थोड़ी सीमेंट ढोने के लिए उसको बुलाया जाएगा। अरे उसका जिसका जो काम है वो अपना किया, और जिसका जो काम है वो करेगा ही। वो तो छोटा नीचा ऊपर वाला तो सब छोटा और बड़ा तो ये ऊपर वाला बनाया है तो सबसे सब। अच्छा एक सवाल बताइए, एक बिहार से हैं आप, कौन जिला? मधेपुरा। ठीक है, हमारे पड़ोसी ही हैं, अब ऐसे ही बात कर लेते हैं आपसे। महिला आरक्षण बिल आया है सुने हैं ना, 33% आरक्षण दे रहे हैं संसद में नेता बनाने के लिए महिलाओं को, क्या लग रहा है इससे देश की महिलाओं का भला होगा? थोड़ी दे रहा है, देगा, अभी बताया है कि देगा, नेता तो सपना ही है। वो तो बता दिया हो गया सपना ही दिए, बता तो दिया ना, बनाया नहीं ना, बोला है कि हम पास करा, पास तो हो ही गया है, बनेगा 2030 तक। अभी पास नहीं होगा, पास तो होगा, ये तो 30 तक की बात है, अब पता नहीं 30 में ये रहेगा या कौन रहेगा, जब कोई रहेगा तभी ना, फिर पता नहीं उससे भी आगे चला जाइए। कौन कौन जो अभी जो पास करा दिया तो लागू करवा देना चाहिए ना, इसी में ना लागू कराना चाहिए, और उसमें भी मुस्लिम का जो है कि आरक्षण का जो बातें नहीं आया, तो फिर अभी ये तो सब चलता रहेगा, ये राजनीति चुनाव का खेल बस, ये सब जो है। शरद यादव को जानते हैं आपके यहाँ से साथ? जानते हैं। चलिए उस पर आप लोग तो बड़ा करीब से देखे होंगे शरद यादव को, सुने नहीं कभी मुलाकात नहीं देखे तो मर गए भी। वो एक बार 2010 में भी ऐसे ही आरक्षण का बिल आया था तो वो बोले थे आपके जो स्वर्गवासी सांसद महोदय हैं 2010 में बोले थे कि इससे सिर्फ कुछ परकटी महिलाओं को लाभ होगा इस तरह के आरक्षण से, तो आप तो उन्हीं के सांसदी क्षेत्र से आते हैं, तो आप उनकी बातों से सहमत हैं या इसमें भी हर तबके की महिलाओं को आगे आना चाहिए? वो अभी कोई महिला आगे पीछे नहीं आएगा, अभी जब लागू ही नहीं हुआ तो इसको कहाँ, अभी लागू होने के बाद बाद का तो बात है, कौन देखेगा उसको लागू कब होगा,
हम रहे या आप रहे कोई भी रहे, क्या पता कल मर जाए। लागू अगर आज हो जाता तो ये भी तो पता चलता कि लागू हो गया, लागू तो हुआ नहीं। ये तो अच्छी बात है, देना अच्छी बात है, लेकिन लागू होना जरूरी है। राहुल गांधी का कहना है कि इसी साल से कर देते 2024। बढ़िया, वो उसके कहने से थोड़ी कर देगा, ये करेगा तो ये अपनी मर्जी से ना। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, प्रधानी और धानी का चुनाव लड़े हैं। चलिए बढ़िया है, नहीं बात, आप एकदम पॉलिटिकल करेक्ट आदमी हैं ये। अच्छा तो लागू एकदम इंस्टेंट हो जाए? हाँ एकदम होना चाहिए ना, जब हम कर ही रहे हैं। मान भाई साहब देखो 9 साल लागू किया जाए, लेकिन जो कि अभी सत्ता में है वो तो सिर्फ मुंह जुबानी ने कहा है, लागू जब करेगा जब ही तो जब होगा तब, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, इस बार जब जाइएगा मधुपुरा 2024 में तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट तो अभी जब आएगा जब, तो यहाँ का मुद्दा क्या होगा, यहाँ तो जो है कि मधुपुरा की बता दीजिए, वहाँ भी हम मधुपुरा में जब रहेंगे तब तो, जब यहीं रहेंगे तो यहाँ वोट गिरा देंगे। अच्छा यहाँ का भी वोट? अच्छा यहाँ भी वोट है, तो यहाँ बता दीजिए फिर, तो यहाँ किस मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए पेपर वोट, देखिए वोट तो जो है ना वो किसी का बताने का चीज नहीं है। मुद्दा पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछे किसको करेंगे। या वो बात नहीं है, मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या एक आदमी का थोड़ी है, ये तो पूरे देश का है। समस्या तो सबके साथ है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। अभी उस्ताद जो कह रहे थे वो तो आप सब समझिए गए, तो अभी आगा क्या है सर? मुद्दा किस मुद्दे पे आपको? सर देखो जो मुद्दा अच्छा लगेगा, मतलब हमको आगे रोटी रोजी मिलेगा, रोटी रोजी पहले है हर काम से पहले, रोजगारी हमको जहाँ आशा उम्मीद लगेगी हम उसी तरफ जाएंगे, जुमलाबाजी में नहीं जाएंगे। क्या मतलब? ये बेरोजगारी का, बेरोजगारी का और दिहाड़ी टाइम। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।